हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की जो कटोरी है बिल्कुल परफेक्ट शेप में, यानी कि बिल्कुल गोल शेप में रहने वाली है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक यूं ही मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। लंबाई हमारी 14 इंच है, शोल्डर है 10.5 इंच, सीना 36 इंच और कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। आस्तीन की लंबाई हमारी 5 इंच है और मोहरी भी इसकी 5 इंच है और आर्म होल 6.5 इंच। फ्रेंड्स, यह जो नाप है यह हमारा बॉडी नाप नहीं है, कपड़े से लिया हुआ नाप है। और अपने इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीटली ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, जिसमें आस्तीन की भी कटिंग शामिल रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, तो हमें लंबाई लेना है, तो लंबाई लेने के लिए फ्रेंड्स हमको 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1 इंच में मार्जिन ऐड कर लेंगे, यानी कि 15 इंच में, ये ऐसा 15 इंच में हम निशान लगा लेंगे, एक निशान यहाँ पर और एक निशान थोड़ा सा आगे में, ये ऐसे। अब इसको स्केल से हम सीधा खींच लेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि सीधी लकीर खींचने के लिए हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें ऐसे डबल फोल्ड पेपर लेना है, जिसमें पहला वाला फोल्ड हमारा सामने पल्ला कटेगा और पीछे वाले फोल्ड में पीछे पल्ला कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो फ्रेंड्स, इसका शोल्डर हमारा है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होगा हमारा 5.25 इंच, ये देखिए। और 5.25 इंच में हम थोड़ा आगे ऐसा निशान लगा लेंगे, इसको भी हम स्केल से सीधा मार्क कर लेंगे, ये ऐसे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम गले के फैलाव में। तो 36 इंच सीना है हमारा, तो गले का फैलाव हम इसमें 2.5 इंच में रखेंगे और 2.5 इंच यहाँ भी रख लेंगे और इसको भी हम स्केल से सीधा ऐसा मार्क कर लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स सामने गले में। तो सामने गला हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच का 1/2 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे हम, जो ऊपर दबाव रहेगा हमारा। और मैं इसमें गला ड्रा कर देता हूँ, मैं इसमें फ्रेंड्स गोल गला ड्रा कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम आर्म होल में। तो 36 इंच सीना में फ्रेंड्स हमको आर्म होल रखना है इसका 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे इस बात को कि हम 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे, 5.5 में निशान इधर भी लगा लेंगे और इसको भी स्केल से ऐसा खींच लेंगे। फ्रेंड, उसके आते हैं हम सीना में। तो सीना फ्रेंड्स हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होगा फ्रेंड्स हमारा 9 इंच, ये 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। यह मार्जिन हमारे ढीला और टाइट करने के लिए रहता है फ्रेंड्स। अब आते हैं कमर में। तो कमर हमारा है 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा फ्रेंड्स 7 इंच, ये देखिए 7 इंच में निशान लगा लें। उसके बाद 1 इंच में और निशान लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे पल्ले में डॉट पड़ता है, ये उसका निशान रहता है। और 1.5 इंच जो हमने ऊपर मार्जिन की दिया है, तो 1.5 इंच हम नीचे भी मार्जिन देंगे, इसको भी स्केल से ऐसा सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स आर्म होल में। तो आर्म होल के लिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेंगे, शोल्डर से हम ऐसा अंदर की ओर 1/2 इंच में एक तिरछी लकीर खींच लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे मैंने आर्म होल का एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, या फिर भी आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं सामने पल्ले की गहराई के लिए। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर ये कॉर्नर में ऐसा 1 इंच में निशान लगा लेंगे, ये ऐसा 1 इंच। अब फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से ऐसा हाफ कर्व लेते हुए, जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया था, इसको लाके यहाँ पर ऐसा मिला लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा, ये हमारे सामने पल्ले की गहराई हो गई। अब पीछे पल्ले की गहराई के लिए फ्रेंड्स यही कॉर्नर से हमको 1.5 इंच में निशान लगाना है, ये 1.5 इंच में। अब इसको भी थोड़ा ऊपर से ऐसा, जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया फ्रेंड्स, ये ऐसा मिलाते हुए, जहाँ पर हमने 9 इंच में लगाया था निशान, यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम ऊपर से यहाँ पर कमर पट्टी में जो लगता है, जिसको योग पट्टी बोलते हैं हम, उसके लिए निशान।
तो फ्रेंड्स हमारा 36 इंच सीना है तो हम इसको लगाएंगे निशान 12.5 इंच में। ध्यान रखेंगे 12.5 इंच, आप चाहे तो 12 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन 12.5 इंच परफेक्ट रहेगा 36 इंच ब्लाउज के लिए। उसके बाद 12.5 इंच में हम निशान यहाँ पर भी ऐसा लगा लेंगे। अब इसको हम स्केल से ऐसा सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम कटोरी में। तो फ्रेंड 36 इंच सीना है हमारा, तो इसमें हम कटोरी लगाएंगे 5.5 इंच की। ध्यान रखेंगे 36 इंच सीना में हमारी कटोरी आएगी 5.5 इंच में। तो 5.5 इंच में हम एक निशान ऐसा लगा लेंगे और 5.5 इंच में थोड़ा सा आगे ऐसा निशान और लगा लेंगे। और ये आर्म होल में जहाँ हमने आर्म होल आपके लिए गहराई के लिए काटा था, वहीं पर ऐसा रख के, ये देखिए ऐसा रख के हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स 2 इंच में मैंने निशान लगाया है। अब इस साइड फ्रेंड्स हमको लगाना है निशान 5 इंच में, ये 5 इंच में। इसको स्केल से यहाँ से मिला लेंगे। अब इस साइड से फ्रेंड्स हमको कर्व लेते हुए इन तीनों लकीरों को लाके ऐसा मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर इसका शेप आया हुआ है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स मेन डॉट पॉइंट में। तो डॉट पॉइंट में आने के लिए फ्रेंड्स, चूंकि हमारी कटोरी 5.5 इंच की है, तो 5.5 इंच का हाफ होगा फ्रेंड्स हमारा 2.75 इंच। ये 2.75 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे और इस साइड से ऐसा ऊपर में 1 इंच में, ये 1 इंच में हम स्टार मार्क कर लेंगे। इसको स्केल से ऐसा खींच लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स इस साइड से हमको 2.25 इंच में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ की है 2.25 इंच में, और इस साइड में 1/4 इंच में, ये 1/4 इंच में इसको लाके ऐसा मिला लेंगे। इसको हल्का सा शेप में लीजिए फ्रेंड्स, इसको तिरछा ना करें एकदम ही, नहीं तो बेल्ट पट्टी बनाते समय हमको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा सामने पल्ला ड्रा हो गया है, अब हम इसको कैंची से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा कट गया है, ये हमारा सामने पल्ला है, ये पीछे पल्ला है। तो पीछे पल्ला हमारा 10 इंच है, उसको हम काट के डायरेक्ट काट सकते हैं, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा सामने पल्ला है, तो अब इसको भी हम फ्रेंड्स अलग अलग कट कर लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कटोरी में। तो कटोरी में फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि चूंकि मैं ये कटोरी थोड़ा अलग तरीके से काट रहा हूँ, क्योंकि हमारी कटोरी अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमारी कटोरी चपट गई है, तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान फार्मूला बता रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स उसके बाद हमको कटोरी को एज इट इज जैसे हमने कटिंग किया था वैसी इसको वैसी आपको छाप लेना है। देखिए फ्रेंड्स इसको मैं वैसी छाप रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ पर भी निशान लगा लीजिए और यहाँ पर भी 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स हमको इस साइड 1/4 इंच ले लेना है और इस साइड भी हमको 1/4 इंच ऐसा निशान लगा लेना है, और ऊपर की तरफ हमको 1/2 इंच का, क्योंकि ये हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये ऐसे। अब इस साइड को फ्रेंड्स हम स्केल से ऐसा मिला लेंगे और इस साइड को फ्रेंड्स हम यहाँ से ऐसा निशान लगाते हुए चलेंगे, और ये हमारा निशान जहाँ पर हमने 1/4 इंच में लगाया था निशान वहाँ पर लाके इसको मिला लेना है, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था यहाँ पर, उससे हमको 2.5 इंच नीचे यहाँ पर भी एक निशान लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको स्केल से ऐसा खींच लेंगे इस साइड, और इस साइड भी जहाँ 1/4 इंच में निशान लगाया था उसको, और इस साइड भी हम ऐसा 1/4 इंच में लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी कट गई है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, तो अब फ्रेंड्स हमको जहाँ से हमने सेंटर में निशान लगाया था उसको हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे, ये देखिए जहाँ हमने सेंटर में निशान लगाया था वहाँ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आधा इंच कम मार्जिन छोड़ देंगे, ये हमारा सिलाई मार्जिन है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने कटोरी चूँकि 5.5 इंच की बनाई थी तो 5.5 इंच का हाफ होगा हमारा 2.75 इंच, तो 2.75 इंच में हम यहाँ पर निशान ऐसा लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसा कट कर लेंगे और इसी को ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी परफेक्ट कटोरी तैयार हो गई है। आप इसी तरीके से काटेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सीन फ्रेंड्स हमारा है, सीन की लंबाई 5 इंच है, तो मैं इसको पहले तो एक सीधी लकीर ऐसा खींच के मार्जिन का निशान लगा लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स आस्तीन की लंबाई हमारी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच में इस साइड निशान ऐसे लगा लेंगे। इसको भी स्केल से ऐसा सीधा खींच लेंगे। अब इसको यहाँ पर से ऐसा लेके ऊपर से फ्रेंड्स जहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाया था 3.5 इंच में निशान लगा लेंगे और इधर भी 3.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे। इसको भी ऐसा इसको स्केल से खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारी आस्तीन की मोहरी है 5 इंच, तो 5 इंच में निशान लगा लेंगे और यहाँ पर आर्मोल हमारा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ऊपर की साइड हमको निशान लगाना है 2 इंच में, सॉरी 2.5 इंच में, ये 2.5 इंच में। फ्रेंड्स वैसे मैंने आस्तीन का आर्मोल की कटिंग कैसे करते हैं उसका भी मैंने, सॉरी आस्तीन की परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहीं पर से ऐसा शेप लेते हुए यहाँ पर मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम कट कर लेते हैं। इसकी गहराई भी ऐसे काट लेंगे, ये हमारी सामने की गहराई है। मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली आस्तीन की भी कटिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी आस्तीन भी कट हो गई है। तो आस्तीन का भी फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, जैसे हमारा ये सामने का पल्ला है तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि आस्तीन की गहराई हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निशान लगाया था मार्जिन का और ये यहाँ पर ये आके इसकी गहराई में यहाँ पर आके मिलना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसकी गहराई आके, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी गहराई यहाँ पर आके बिल्कुल मिल रही है, ये देखिए ये हमेशा ऐसी ही मिलनी चाहिए सामने पल्ले की गहराई, तभी आस्तीन की आपकी फिटिंग और साइड में आपके फूलन नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।